हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। डेट है आज की 11 तारीख और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन है कि इसरो का टेस्ट फ्लाइट व्हीकल, इसरोस फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1, TVD-1 के नाम से इसको जाना जाता है, ये काफ़ी क्रूशियल टेस्ट है जो हमने करके देखा है, किस परीक्षण के लिए, किस मिशन के लिए। ठीक है, तो अभी इसरो का एक उड़ान परीक्षण हुआ है, तो वाहन अबॉट मिशन 1 के नाम से। ठीक है, ये किस मिशन के लिए किया गया, ये गगनयान के लिए किया गया है। ठीक है, तो गगनयान क्या है? देखो, ये एक ऐसा मिशन है जिसका पर्पस क्या है कि जो ह्यूमंस हैं, जो लोग हैं, ठीक है जी, उनको हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, मतलब उनको हम यूनिवर्स के अंदर लेके जाना चाहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में, और उनको सेफली घर भी लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने गगनयान बनाया। देखिए, अलग अलग मिशंस के अलग अलग नाम होते हैं और उनकी अलग अलग कहानी होती है। गगनयान को बनाने की जो कहानी है, वो कहानी यही है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो पर्पस है, वो पर्पस ये है कि हम लोगों को, आम लोगों को भी वहाँ पर लेके जाएं, यूनिवर्स में लेके जाएं, और फिर उनको जो है वो वापस हम लोग लेकर आएँ। ठीक है, चंद्रयान का चंद्रमा से रिलेशन था, मंगलयान का मंगल से, आदित्य L1 जो है वो सन के साथ है रिलेशन इसका, ये सोलर प्रोब है। ठीक है, ये सन के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो ने हाल ही में एक टेस्ट फ्लाइट लॉन्च की थी अबॉट मिशन 1 की, ये किसके लिए, गगनयान के लिए, कि देखे तो सही पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने अभी अभी हाल ही में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को लॉन्च किया है। कल अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध चल रहा है। इसराइल पैलेस्टीन के अंदर एक ग्रुप है, टेरर ग्रुप है हमस, तो हमस ने इसराइल के ऊपर जो है वो बमबारी की, रॉकेट्स छोड़े काफ़ी सारे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हमले उसके ऊपर लॉन्च किए। ठीक है, उसके जवाब के अंदर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स जो है वो लॉन्च किया है हमारे इसराइल ने। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा इसराइल। इसराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि वो जो सरप्राइज अटैक्स पैलेस्टीनियंस ने दिया था उसका जवाब दे सके, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, चलते हैं आगे। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड स्टेट आफ्टर बिहार टू कंडक्ट अ कास्ट सर्वे। कास्ट सर्वे को करने वाली बिहार पहली स्टेट थी, देखिए, ठीक है, तो पहली स्टेट के बाद अब एक कौन सी स्टेट बनी है हमारे पास जिन्होंने दोबारा से एक कास्ट सर्वे किया है, कास्ट सर्वेक्षण यानी कि जाति सर्वेक्षण जिसे हम कहते हैं वो किया है। तो इसका आंसर है जनाब राजस्थान। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने हाल ही में एक कास्ट सर्वे को लॉन्च किया है जिसके साथ ही ये सेकेंड स्टेट बन चुकी है। ठीक है, ये इन्होंने कास्ट सर्वे जो है महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर किया है, जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो 63% स्टेट पॉपुलेशन के अंदर यही हैं सबसे ज़्यादा। तो देखिए, इन 63% लोगों को अगर हम लोग अच्छी सुविधाएं नहीं देंगे, अच्छे प्रोविजंस नहीं देंगे, तो इन लोगों को काफ़ी नुकसान है। ठीक है, तो जाति के हिसाब से भी हमें थोड़े से रिजर्वेशंस वगैरह देने चाहिए, तो उसके लिए सर्वेक्षण करना ज़रूरी था। तो बिहार के बाद राजस्थान इंडिया की सेकेंड स्टेट बन चुकी है जिन्होंने कास्ट सर्वे किया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास 16th इन एडिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन हमारे पास छुपा है। क्या क्वेश्चन छुपा है? क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है कि 16वां एडिशन हुआ है किसका, इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस, जिसको शॉर्ट में हम लोग कोकोन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं, कोकोन, या देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कोकोन। ठीक है, तो कोकोन क्या है, साइबर सिक्योरिटी और पुलिसिंग की एक कॉन्फ्रेंस है जो कि केरला पुलिस ने हाल ही में ऑर्गेनाइज की है। कहाँ पे हुआ है ये? हुआ है कोची, केरल में। ठीक है, क्योंकि केरला पुलिस ने किया तो स्टेट पुलिस अपने दायरे में ही करेगी ना। ठीक है, एडिशन याद रखना है, 16th एडिशन हुआ है। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या हुआ, एक और प्रोग्राम किया गया, किड ग्लव कुटू नाम का प्रोग्राम है, जो कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस फैलाना चाहता है कि ऑनलाइन प्रेडेटर्स कैसे हैं। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे भी आईडीज बना के घूम रहे हैं, किसी की फेसबुक पे आईडी है, किसी की इंस्टा पे आईडी है। ठीक है, तो वो बच्चों को इतना नहीं पता चलता कि कौन हैकर है और कौन जो है वो, मतलब बच्चों की किसी भी तरीके की फ़ोटोज़ वगैरह। ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आजकल बहुत ज़्यादा मतलब चल रही है, न्यूज़ में आ रही है। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रेडेटर्स जो कि बच्चों को टारगेट करते हैं,
उनको कैसे डील करना है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक किड ग्लव कुटू प्रोग्राम जो है इन्होंने शुरू किया। ठीक है जी, कुकून को पहले ना साइबर सेफ कहा जाता था। ठीक है, तो ये मतलब हमारे एरिया के अंदर, मतलब केरल के अंदर अगर हम बात करें तो केरल के अंदर ये लॉन्गेस्ट रनिंग कॉन्फ्रेंसेस है जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और हैकिंग में चल रही है। ठीक है, केरल से बाहर ये पूरे मतलब इंडिया के अंदर भी काफ़ी फेमस है साइबर सेफ, लेकिन साइबर सेफ को आजकल हम क्या कहते हैं, कुकून कहते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है प्रोजेक्ट क्यूपियर के बारे में। प्रोजेक्ट क्यूपियर जो है वो फास्ट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड सर्विसेज दे रहा है, तो ये किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया था। सवाल ये है कि किस कंपनी ने लॉन्च किया था। तो देखिए, क्यूपियर जो है ना ये अमेज़न की मतलब एक सब्सिडियरी है। ठीक है, तो अमेज़न ने ही इसको दिया है। 2019 के अंदर अमेज़न ने एक सब्सिडियरी बनाई थी अपनी जिसका नाम था प्रोजेक्ट क्यूपर। ठीक है, तो क्यूपर जो प्रोजेक्ट है ये क्या करता है, एक सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन देता है, रिले दे रहा है, और इसका जो गोल है वो क्या है, अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है, वो जिनको अभी तक जो है ब्रॉडबैंड सर्विसेज इसलिए नहीं मिली है क्योंकि ब्रॉडबैंड सर्विसेज महंगी बहुत है, प्लान्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, 1500 प्रति महीना, 2000 प्रति महीना इस तरीके से। तो जो अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं ये वो लोग होंगे जिनको अभी तक महंगाई की वजह से, ये महंगे रेट्स की वजह से अभी तक इन्होंने ब्रॉडबैंड सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं किया है। तो प्रोजेक्ट क्यूपियर एक सस्ता, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा आज का, देखें, R21 मैट्रिक्स एम इसको रिसेंटली अप्रूव किया है। क्या है ये, एक वैक्सीन है, लेकिन इस वैक्सीन को किस बीमारी के खिलाफ बनाया गया है, मेन पॉइंट हमारा ये है। तो पहली बात तो देखो, ये वैक्सीन्स वगैरह अप्रूव कौन करता है, अप्रूव करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो WHO ने एक नई वैक्सीन को अप्रूव किया जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम। ठीक है, और ये मलेरिया को फैलने से बचाने की वैक्सीन है। ठीक है, देखो बेटा, वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीन होता है कि बीमारी से पहले एक उम्र होती है, जैसे हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। वो इंजेक्शन क्या होता है, वो जिस बीमारी का वायरस होता है ना, वायरस या बैक्टीरिया से हमें वो बीमारी फैल रही है, उसी वायरस को लैब के अंदर वैक्सीन का रूप दे दिया जाता है। और वैक्सीन का काम क्या होता है, शील्ड प्रोवाइड करना। तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी इस वैक्सीन के मतलब इस वायरस के, बीमारी के वायरस को ऑलरेडी हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है, लेकिन उसके जेनेटिक म्यूटेशंस करके, यानी कि उसको फेर बदल करके, उसको ये समझा के कि इंसान के शरीर को नुकसान नहीं करना है भाई, प्रोटेक्शन देनी है, फ़ायदा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से वही वायरस जो है उसकी वैक्सीन हमें लगती है। तो फ्यूचर में अगर वो वायरस हमारे शरीर में घुसता है तो ये वैक्सीन के जो वायरस ऑलरेडी हमारे शरीर में बैठे थे ना, ये एक शील्ड प्रोवाइड करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि इस वायरस की वजह से हम बीमार नहीं होंगे, बीमार तो हम होंगे, लेकिन जानलेवा जो बीमारी हैं उनका खतरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, टल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कोविड की वैक्सीन है, देखो मलेरिया की वैक्सीन है, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा है ना, तो इस तरीके से। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मलेरिया। तो मलेरिया की वैक्सीनेशन जो है वो बनाई गई है जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम। ठीक है, इसको डेवलप किया है जॉइंटली एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने और एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इन्होंने कोविड की वैक्सीन्स भी बनाई थी। ठीक है जी, तो R21 वैक्सीन जो है ये सेकंड मलेरिया की वैक्सीन है जिसको WHO ने रिकमेंड किया है, क्योंकि पहले वाली कौन सी थी, RTS SA S01 वैक्सीन। ठीक है, इसको 2021 के अंदर जो है मान्यता प्रदान की थी WHO ने। ठीक है, दोनों ही मेडिसिन जो है, दोनों ही वैक्सीन जो है बच्चों के अंदर मलेरिया को फैलने से रोकने में काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है जी, तो इम्पॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो आप सब लोग जानते हो ना, ये हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है। ठीक है जी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, यूनिटी की नहीं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जो कि लार्जेस्ट स्टैचू है डॉक्टर B.R. अंबेडकर का, जो कि किस कंट्री के अंदर अनवील किया जाएगा। यहाँ पे शंकराचार्य जी की फ़ोटो आ गई है। ठीक है, वैसे शंकराचार्य जी का भी जो है वो इक्वालिटी से संबंधित है, लेकिन हम यहाँ पे डॉक्टर B.R. अंबेडकर की बात करें क्योंकि इन्होंने हमारे संविधान में बराबरी का दर्जा प्रदान किया सभी को। ठीक है, तो हमारी कंट्री के अंदर जो है इनका एक स्टैचू है। ठीक है,
अभी देश के बाहर भी हम दूसरी कंट्री के अंदर भी जो है इनका स्टैचू लगा रहे हैं, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर मैरीलैंड ने यूएसए के अंदर यहाँ पे लगाने का सोचा है, ठीक है जी। और ये टालेस्ट स्टैचू होगा अंबेडकर साहब का इंडिया के बाहर कहीं, ठीक है। और दिस स्टैचू इज़ द रेप्लिका ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मतलब अंबेडकर स्टैचू, जो कि हैदराबाद में है, 125 फीट का है। इसको राम सूतर जी ने बनाया था, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया था गुजरात में, ठीक है। तो सेम आर्किटेक्ट है, बनाने वाले सेम है, ठीक है। और इसका ही अभी जो प्रोटोटाइप है, इसका जो रेप्लिका है, वो हम कहाँ पे लगाने वाले हैं, अब यूएस के अंदर लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यूएसए के अंदर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया जाएगा, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सबसे बड़ा स्टैचू माना जाएगा, जो हम अपनी कंट्री के बाहर कहीं लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बना, यूएसए, ठीक है जी। चलिए आज का हमारा आखिरी सवाल है, सवाल क्या है, संप्रीति एक्स आई, ये ना एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि किस किस कंट्री के बीच में हुई है। तो बेटा ये एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश में होती है, ठीक है। सो इंडिया का नाम तो क्वेश्चन में गिवन ही है, दूसरा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और इंडिया के अंदर ना संप्रीति एक्सरसाइज होती है, ठीक है। इस बार 11वां एडिशन हुआ है, एनुअली होता है, ये हर साल होता है, ठीक है। संप्रीति जो है उमरोई मेघालय में हुई है, पहली बार ये हुई थी 2009 के अंदर, ठीक है। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज या नेवल एक्सरसाइज या एयरफोर्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आज के लिए फिर इतना ही, चलते हैं हम लोग, अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जनाब, जय हिंद, जय भारत।